सो गाइस, आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक नॉर्मल फोटो को एक एनिमेटेड वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे और हम बनाएंगे ये अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने डाउनलोड किया है, और सबसे पहले जो है हम ओपन करेंगे एक एप्लीकेशन जिसका नाम है इरेजर। कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से जो है मैं अपना एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको जो है मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जो है हमको हमारा इस फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है उसको हमको इरेज करना है। तो चलिए, ये जो प्रोसेस है मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपको जो है कुछ इस तरह से जो है मेन जो लेयर है लेयर रखना है, और बैकग्राउंड में जो वाटरफॉल है उसको हमको इरेज करना है। तो चलिए, इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर लेता हूँ और कंप्लीट करने के बाद आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलमोस्ट अपना बैकग्राउंड जो है वो इरेज कर लिया है, थोड़ा बहुत है। तो चलिए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो गया है। अब ये जो फोटो है ये हमारा फ्रंट लेयर की तरह काम करेगा। अब इसको हमको जो है सेव कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका स्मूथनेस जो है, इसको 2 में रख लेते हैं, देख लेते हैं कि कहीं यार कुछ छूटा तो नहीं है। और स्मूथनेस 2 में रखने के बाद में इसको हम सेव कर देंगे। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में एक और एप्लीकेशन हमें चाहिए जिसका नाम है टच रीटच। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके जो है आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्ले स्टोर में नहीं है। यहां से हम जो है फिर से हमारा जो उसी फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको जो है हमने बैकग्राउंड को रखना है, और जो फ्रंट लेयर हमने इरेजर एप्लीकेशन में क्रिएट किया है तो उसको जो है हमको रिमूव करना है। तो यहाँ से नीचे आप जो इरेजर टूल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में यहाँ से इस तरह से जो ऑब्जेक्ट जो फ्रंट लेयर का ऑब्जेक्ट है उसको हमको इस तरह से इरेज करना है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करने में काफ़ी बढ़िया काम करता है, और इसी से जो है मैं अपना जितना भी वीडियो है जो मैं मेरा बाहुबली का जितने भी वीडियोज़ है उसमें मैंने जो है हीरो को इरेज किया है एज ए बैकग्राउंड। तो इसका आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हमने इरेज करके रखा हुआ है, ताकि जो है लेयर में बैकग्राउंड में ये सही से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको जो है अब यहाँ से डन करके हम इसको जो है अब सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको मैक्स 100 सिलेक्ट किया है, और जो इसका साइज है हमने ओरिजिनल रखा है। अब यहाँ से जो है सेव टू गैलरी यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा इमेज जो है वो सेव हो जाएगा। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन का भी जो काम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में जो है हमको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लूप। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चाहे तो आप प्ले स्टोर से में भी पिक्सल लैब जो है सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, न्यू क्रिएशन पे हमको टैप करना है। सबसे पहली बार आपको परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देना है। अब इसके बाद में हमको उस इमेज को इंपोर्ट करना है जो हमने टच रीटच में जो है ऑब्जेक्ट को रिमूव किया था, उस इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से हम जो हमारा बैकग्राउंड वाटरफॉल का जो इफेक्ट है इसको हमको एनिमेट करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से मैं पूरा स्टेप प्रोसेस जो है यूज़ करते हुए अपना जो वाटरफॉल है उसको एनिमेट करता हूँ। तो ये पूरा स्टेप जो है आपको कर लेना है, और अपना जो वाटरफॉल है उसको आपको एनिमेट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हमको यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और हमारा इस एनिमेशन को
वीडियो फाइल में जो है एक्सपोर्ट कर लेना है, सेव कर लेना है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ से जो है हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में ड्यूरेशन जो है कितना रखना है, तो ड्यूरेशन मैं यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, यानी कि 30 सेकंड ऑलमोस्ट रख देता हूँ। 30 सेकंड का क्लिप रखते हैं। क्वालिटी जो है हम यहाँ पर 1080 पिक्सल रखते हैं। अब इसके बाद में हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और हमारा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम ओपन करेंगे काइनमास्टर और आगे का स्टेप जो है काइनमास्टर पे कंप्लीट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर काइनमास्टर ओपन हो चुका है, तो यहाँ से 16:9 का रेशियो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में सबसे पहले जो है हमको बैकग्राउंड लेना है, तो हम इंपोर्ट करेंगे हमारा वो बैकग्राउंड फाइल जो हमने एनिमेटेड किया है, एनिमेटेड बैकग्राउंड। तो एनिमेटेड बैकग्राउंड जो है वो आ चुका है। इसके बाद में दोस्तों हमको लेयर में बाकी सारे जो इमेजेस है, जैसे कि हमने जो फ्रंट लेयर बनाया था ट्रांसपेरेंट लेयर, उसको भी इंपोर्ट कर लेना है। और इसके बाद में हमको जो है यहाँ से एनिमेशन वगैरह करके इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो पूरा स्टेप आप देख लीजिए, फॉलो कीजिए और इस तरह से जो है आप अपना एनिमेटेड वीडियो जो है बना सकते हैं। तो चलिए मैं सारा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ।